दिल्ली में अब सफर करना महंगा हो सकता है। जी हाँ, परिवहन विभाग के सर्वे के बाद अब राज्य में ऑटो, टेम्पो और टैक्सी में सफर करने वालों के लिए यह बुरी खबर है। दरअसल परिवहन विभाग से ऑपरेटरों ने किराया बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद विभाग द्वारा सर्वे का आदेश दिया था। अब बताया जा रहा है कि सर्वे का काम पूरा हो गया है। दिल्ली सरकार यदि किराया संशोधन समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है तो लोगों की जेब पर बोझ पड़ना तय है। समिति ने किराए में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। ऑटो और टैक्सी किराए में संशोधन करने वाली दिल्ली सरकार की समिति ने ऑटो रिक्शा के लिए प्रति किलोमीटर 1 रुपए और टैक्सियों के किराए 60% तक बढ़ाने की सिफारिश की है। इस समिति ने दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर पिछले महीने दिल्ली सरकार ने ऑटो टैक्सी किराए में संशोधन के लिए समिति का गठन किया था। अब इन सिफारिशों पर कैबिनेट में चर्चा होगी। कुछ ऑटो यूनियन ने समिति से मिलकर ऑटो किराए में भारी वृद्धि करने पर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि ऑटो के किराए में ज्यादा इजाफा होने से कैब ऑपरेटरों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, क्योंकि वे यात्रियों को रियायती दरों की पेशकश करते हैं। कुछ यूनियनों का कहना था कि किराया बढ़ाने के बजाय उन्हें सीएनजी पर सब्सिडी दी जाए। इससे पहले 2019 में ऑटो का किराया बढ़ाया गया था। टैक्सी के किराए में अंतिम बार 2013 में संशोधन हुआ था। ऑटो के लिए मौजूदा मीटर डाउन चार्ज 25 रुपए और पहले 1.5 किलोमीटर के बाद 9.50 रुपए प्रति किलोमीटर किराया लगता है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट चार्ज लगता है, जो कुल किराए का 25% होता है। टैक्सी में पहले किलोमीटर के लिए 25 रुपए, जबकि उसके बाद प्रति किलोमीटर 15.50 रुपए नॉन एसी के लिए देना होता है। वहीं एसी टैक्सी के प्रति किलोमीटर 16.50 रुपए का भुगतान करना होता है। तो वहीं पहले ही जनता महंगाई से त्रस्त है, और अगर किराया बढ़ता है, किराए में बढ़ोतरी होती है, तो एक और महंगाई की मार जनता को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ऑटो टैक्सी से रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं। हालांकि अभी चर्चा होना बाकी है, चर्चा के बाद ही पता लग पाएगा कि किराए में बढ़ोतरी होती है या नहीं, और होती भी है तो कितनी, ये चर्चा के बाद तय होगा। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।